हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश विद समीर क्लासेस में मैं समीर आपका वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 12th इंग्लिश बुक विस्तास का सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग बाय कैलकी। कैलकी साहब का पूरा नाम था रामास्वामी कृष्णमूर्ति। चैप्टर शुरू करने से पहले आइए देखते हैं बिफोर यू रीड, व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जानवरों के प्रति मनुष्य का सामान्य दृष्टिकोण क्या है। तो फिर आइए चैप्टर शुरू करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदार जर्नल खिलेदार मेजर सताव्याग्रा समहारी महाराजा धीराजा विश्वभुवना सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK। उन्हें हिज हाइनेस यानी महामान्य जमेदार जर्नल खिलेदार मेजर सताव्याग्र समहारी महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर MAD ACTC या CRCK के नाम से भी जाना जा सकता है। बट दिस नेम इज ऑफन सॉल्टेंड टू द टाइगर किंग। लेकिन यह नाम छोटा होता गया और टाइगर किंग के नाम से जाना गया। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं आपको बताने आया हूँ कि आखिर वह टाइगर किंग के नाम से क्यों जाने गए। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रावल। मेरा कोई इरादा नहीं है कि कहानी बताते बताते बहाने से पीछे हट जाऊँ। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। यहाँ तक कि स्टुका बॉम्बर का थ्रेड भी मुझे बताने से पीछे नहीं हटा पाएगा। स्टुका बॉम्बर बॉम्बर एयरक्राफ्ट था जो अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकता था। इसका प्रयोग वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जर्मनी द्वारा किया गया था। द स्टुका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। अगर स्टुका चाहे तो वह पीछे हट सकता है, लेकिन कहानी सुनाने से मैं पीछे नहीं हटने वाला। ऑथर का कहना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वह कहानी तो सुनाएगा ही। बीट ऑफ हेस्टी रिट्रीट एक फ्रेज है जिसका अर्थ है अनहोनी की आशंका देखकर भाग खड़े होना। राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। कहानी की शुरुआत में टाइगर किंग के बारे में एक बात जो अति महत्वपूर्ण है उसे सामने लाना जरूरी है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। जो कोई भी टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है उसकी टाइगर किंग के अदम्य साहस को सामने से देखने की इच्छा जाग उठती है। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन इस इच्छा के पूरा होने का कोई चांस नहीं है। एज भारता सेड टू रामा अबाउट दशरथा द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। जैसा कि भरत ने दशरथ के बारे में राम को बताया था उसी प्रकार टाइगर किंग भी वहां पहुंच चुका है जो कि सभी प्राणियों का आखिरी पड़ाव है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। अन्य शब्दों में कहें तो टाइगर किंग मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। उसके मरने का तरीका एक अत्यधिक रोचक विषय है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और टाइगर किंग की मौत कैसे हुई यह बात सिर्फ कहानी के अंत में ही बताई जा सकती है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बॉर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। उनकी मृत्यु को लेकर सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ज्यों ही उनका जन्म हुआ ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि टाइगर किंग को भी एक दिन मरना होगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स हीरो ऑफ हीरोज चैंपियन ऑफ चैंपियंस। बट यह बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा वीरों का वीर चैंपियंस का चैंपियंस बनेगा। लेकिन दे बिट देयर लिप्स एंड स्वालोड हार्ड। इतना कहते कहते वे चुप हो गए। उन्होंने अपने होंठ दबा लिए और डर से गए। वेन कंपेल्ड टू कॉन्टिन्यू द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल एंड एट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे
हैव टू मीट इट्स डेथ। जब उन पर आगे बताने के लिए दबाव डाला गया तो उन्होंने बताया, यह एक रहस्य है, किसी भी कीमत पर इसे नहीं बताया जाना चाहिए, लेकिन हमें मजबूर किया गया है बताने के लिए, तो फिर वे बताते हैं। बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में हुआ है और एक दिन इसे मरना ही होगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, उसी क्षण एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एन एस्टोनाइजिंग फ्रेज एमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग जंग बहादुर, ओ वाइज प्रोफेट्स। उस 10 दिन के बच्चे जिलानी जंग जंग बहादुर के मुंह से हैरान कर देने वाले शब्द निकले, हे बुद्धिजीवी भविष्यवक्ताओं। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टपीफैक्शन, हर कोई हक्का बक्का रह गया। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, उनकी पलकें झपकी, वे सब हैरानी पूर्वक एक दूसरे को देखने लगे कि आखिर कौन बोला। ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक, हे बुद्धिजीवी भविष्यवक्ताओं, ये मैं हूं जिसने बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस बार शक की कोई गुंजाइश ना थी। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days अगो हु हैड इनन्सिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, यह वही नवजात शिशु था जो महज 10 दिन पहले पैदा हुआ था, जिसने इन शब्दों को स्पष्ट रूप से बोला था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, मुख्य ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतारा और उस बच्चे को गौर से देखा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, जो भी पैदा हुआ है वह एक दिन मरेगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, यह जानने के लिए हमें आपके भविष्यवाणियों की आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, मतलब की बात तब होगी जब आप हमें मरने के उस तरीके के बारे में बता सकें। शाही खानदान में पैदा हुए उस बच्चे ने अपनी धीमी चरचराती आवाज में बोला, वह कहना चाहता था कि यह बात तो हर कोई जानता है कि जो भी पैदा हुआ है वह एक दिन अवश्य मरेगा, लेकिन मेरी मृत्यु कैसे होगी यह बताया जाए। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, मुख्य ज्योतिषी आश्चर्यचकित हो उठे और अपनी उंगली नाक पर रखकर सोच में पड़ गए। अ बेबी बेयरली 10 days old ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, इनक्रेडिबल, महज 10 दिन का बच्चा अपने मुंह से बोल रहा है, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट प्रश्न भी कर रहा है, अविश्वसनीय। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस दैन फैक्ट्स, यह वैसे ही था जैसे वर्ल्ड वॉर के समय वॉर ऑफिस से खबरों को हकीकत से परे बढ़ा चढ़ाकर प्रसारित किया जाता था, यानी घटना विश्वास से परे थी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, मुख्य ज्योतिषी ने नाक से अपनी उंगली हटाई और उस नन्हे राजकुमार पर निगाहें जमाई। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफोर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड, मुख्य ज्योतिषी ने एक्सप्लेन किया, राजकुमार वृषभ राशि यानी टॉरस में पैदा हुए हैं और टाइगर और बुल दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, अतः उनकी मृत्यु टाइगर से होनी निश्चित है। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ क्वैक वेन ही हर्ड द वर्ल्ड टाइगर, आप सोच रहे होंगे कि क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर डर गया होगा जब उसने टाइगर का नाम सुना होगा। क्राउन प्रिंस यानी गद्दी का वारिस, दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl, terrifying words emerged from his lips. जैसे ही उसने टाइगर शब्द सुना, क्राउन प्रिंस जोर से गुर्राया, डरा देने वाले शब्द उसके मुंह से निकले। Let tigers beware, tigers सावधान हो जाओ। This account is only a rumor rife in प्रतिबंधपुरम, यह घटना पूरे प्रतिबंधपुरम में महज एक अफवाह के रूप में फैली हुई है, but With hindsight, we may conclude it was based on some truth. लेकिन कहानी के समाप्त होने पर ही
हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि यह घटना कुछ हद तक सत्यता पर आधारित थी। फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं समाप्त होता है, आइए सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, दिन प्रतिदिन क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर लंबे और ताकतवर होते गए। नो अदर मिरकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। उनके बचपन के दिनों में कोई और चमत्कारी घटना नहीं घटी सिवाय उसके जिसका जिक्र ऑलरेडी किया जा चुका है। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। राजकुमार इंग्लिश काउ का दूध पीते थे, उनका पालन पोषण एक इंग्लिश दाई माँ के द्वारा किया गया, एक अंग्रेज के द्वारा उनको अंग्रेजी पढ़ाया गया, उन्होंने इंग्लिश फिल्मों के अलावा कोई फिल्म नहीं देखी। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सभी इंडियन स्टेट्स के क्राउन प्रिंसेस किया करते थे। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20 द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वॉल्स अनटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स। जब वह 20 साल के हो गए तब उस स्टेट यानी प्रतिबंधपुरम की कमान उनके हाथों में आ गई जो कि इससे पहले कोर्ट ऑफ वॉल्स के हाथों में थी। कोर्ट ऑफ वॉल्स एक लीगल बॉडी होती है जो कि राजा के बालिग होने तक स्टेट को संभालने का काम करती है। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेम्बर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन ज्योतिषी की भविष्यवाणी प्रतिबंधपुरम के लोगों को आज भी याद थी। मैनी कॉन्टिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, बहुत से लोग इस भविष्यवाणी को लेकर बातें करते रहते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, धीरे धीरे यह बात महाराजा के कानों तक पहुंची। देयर वर इननुमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम स्टेट में अनेकों जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन जंगलों में टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, महाराजा को वह पुरानी कहावत याद थी, आप अपनी आत्मरक्षा में एक गाय को भी मार सकते हैं। There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. निश्चित तौर पे अपनी आत्मरक्षा में यदि टाइगर्स को भी मार दिया जाता है तो इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, महाराजा टाइगर का शिकार करने निकल पड़े। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर वेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, महाराजा ने जब अपने पहले टाइगर को मारा तो वह अत्यधिक प्रसन्न थे। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. उन्होंने उस राज जोशी को बुलवाया और उन्हें वह मरा हुआ टाइगर दिखाया। What do you say now? He demanded. महाराजा ने पूछा, अब क्या कहते हैं आप? Your majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. But the astrologer drawled. वह जोशी धीरे से बोला, महाराज आप इस प्रकार से 99 टाइगर्स को मार सकते हैं, लेकिन इतना कहकर वह चुप हो गया। बट वॉट स्पीक विदाउट फियर, महाराजा बोले, लेकिन क्या बिना भय के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, लेकिन महाराज आपको 100वें टाइगर से अत्यधिक सावधान रहना होगा। वॉट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, महाराजा बोले, क्या होगा यदि मैंने 100वें टाइगर को भी मार डाला। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी सेट फायर टू देम एंड, जोशी बोलता है, तब मैं अपनी ज्योतिष की सारी किताबें फाड़ डालूंगा, उन्हें आग लगा दूंगा और एंड, महाराजा ने पूछा, और क्या करेंगे। आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, जोशी को समझ ना आया कि क्या बोलूं, तो भी बोल पड़ा, मैं अपनी चुटिया काट लूंगा, मैं अपने बाल छोटे कर लूंगा और एक बीमा एजेंट बन जाऊंगा। फ्रेंड्स यहीं पर हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है, बाकी का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करता हूं। दोस्तों एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा, जिस किसी ने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको टोटल इंग्लिश यहां पर देने वाला हूं मैं।